हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं फातिमा सिद्दीका, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद से बेसिक नेटवर्किंग लेक्चर सीरीज के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस लेक्चर में आप जानेंगे अबाउट वेरियस टोपोलॉजीज यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, जिसमें कि फिजिकल और लॉजिकल दोनों तरह की टोपोलॉजीज को कवर किया जाएगा। फिजिकल टोपोलॉजीज का एग्जाम्पल होता है जैसे कि बस, रिंग, स्टार, मैश, ट्री एंड अदर्स। कुछ अदर टोपोलॉजीज भी होती हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगी इसमें। एंड लॉजिकल टोपोलॉजीज के अंदर आती हैं ब्रॉडकास्ट एंड टोकन पासिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिर से इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑलरेडी, मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नेटवर्क क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है, टू या टू मोर देन टू कंप्यूटर्स को जब हम आपस में एक टोपोलॉजी को फॉलो करते हुए कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या फिर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हम नेटवर्क को, कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्टेड मीडिया। एक कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो मेथड होता है वो या तो पॉइंट टू पॉइंट होता है या फिर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया। द वे ईच नोड इज फिजिकली कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो एक नेटवर्क में जिस तरीके से आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो, नोड का मतलब यहाँ से है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के अलावा नोड के अंदर आपकी डिफरेंट डिवाइसेस हो सकती हैं, जैसे कि आपके लैपटॉप्स, मोबाइल्स, स्विचेस, प्रिंटर्स, जो भी आप डिवाइस अपने नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं वो नोड कहलाती है, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करने का तरीका क्या कहलाता है? टोपोलॉजी। आप उसको किस तरीके से कनेक्ट करते हो? तो हम टोपोलॉजीज को दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या कहलाती है? फिजिकल टोपोलॉजी। एंड सेकंड कैटेगरी कहलाती है लॉजिकल टोपोलॉजी। द वे इन विच नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली, एक्चुअली में फिजिकली जब आप यूजिंग वायर्स एंड मीडिया, डिफरेंट वायर्स को यूज करके जब आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? आपकी फिजिकल टोपोलॉजी कहलाती है। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द लिंक्स एंड लिंकिंग डिवाइस। इसमें क्या होता है? आप जितने भी डिवाइसेस होती हैं उसको आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि वो एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में एक पैटर्न बनाती हैं जिसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होता है? द वे इन विच नेटवर्क इज लेड आउट इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली नेटवर्क किस तरीके से वर्क कर रहा है वो कहलाता है लॉजिकल टोपोलॉजी। हाउ द मीडिया इज असिस्ट बाय द होस्ट। जो मीडिया है, जो चैनल है मीडिया कम्युनिकेशन करने के लिए, वो होस्ट के द्वारा किस तरीके से एक्सेस किया जाता है, तो ये सब किसके अंदर आता है? लॉजिकल टोपोलॉजी के अंदर आता है। तो बेसिकली आप फिजिकल टोपोलॉजी को इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी यहाँ जो है, आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले मैं क्लासरूम का एक एग्जाम्पल दूंगी। क्लासरूम में क्या होता है? टीचर होता है, तो टीचर की सीट जो होती है वो स्टूडेंट फेसिंग होती है। जो स्टूडेंट्स को जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो टीचर की तरफ, ब्लैक बोर्ड की तरफ फेसिंग होता है। तो ये भी एक तरीके से एक टोपोलॉजी है, ठीक है, जिसको आप फॉर एग्जांपल अदर कैटेगरीज में आप क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजी से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें एक सर्वर होता है जो कि कनेक्टेड होता है डिफरेंट क्लाइंट्स से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं मीटिंग हॉल का एग्जांपल देना चाहूँ तो मीटिंग हॉल में क्या होता है? मीटिंग हॉल में फॉर एग्जांपल राउंड टेबल होती है, ठीक है, आपने सभी ने देखा होगा जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, तो मोस्टली वहाँ पे राउंड टेबल पैटर्न यूज़ किया जाता है। जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है, तो जिसमें एवरीबडी इज़ फेसिंग ऑल अदर्स, जो प्रत्येक पर्सन होता है वो जितने भी मीटिंग में दूसरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सभी को फेस करता है। तो ये एक दूसरे तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट हुआ। एंड अगर आप सिनेमा हॉल की बात करेंगे तो सिनेमा हॉल में हायरार्किकल तरीके से जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है तो वो भी आपका एक डिफरेंट तरीके का अरेंजमेंट होता है। तो आप सेम वही अरेंजमेंट को आप अगर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के तौर पे आप इमेजिन करें तो आप उससे समझ सकते हैं कि टोपोलॉजी क्या होती है। तो टोपोलॉजी हम यहाँ डिस्कस करेंगे फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में। तो फिजिकल टोपोलॉजी यानी कि फिजिकली आप कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं।
इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले आप देख रहे हैं बस टोपोलॉजी, यहाँ से तो बस टोपोलॉजी में एक बस की तरीके से, जैसे इसमें एक सेंट्रल पोजीशन पे वायर होता है एंड उसके दोनों साइड बोथ साइड्स कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, ये कहलाती है आपकी बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में आपने अगर इस बस टोपोलॉजी के दोनों एंड्स को आप आपस में कनेक्ट कर दें तो ये एक रिंग टोपोलॉजी बन जाती है, यानी कि इसमें कोई स्टार्ट एंड और स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। रिंग की शेप में आपने डिफरेंट कंप्यूटर्स को डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंटर में जो स्विच या हब होता है जिससे बाकी सभी कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड रहते हैं, तो इस तरीके से स्टार टोपोलॉजी बन जाती है। एक्सटेंडेड स्टार में क्या होता है, मल्टीपल स्टार्स को, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, मैश का मतलब है जितने भी नोड्स हैं वो आपस में बाकी सभी नोड्स से कनेक्टेड हैं, यानी कि अगर हम इस नोड की बात करते हैं तो ये अदर नोड्स से आपस में कनेक्टेड हैं, तो इस तरीके का नेटवर्क आपका कहलाता है मैश टोपोलॉजी। एंड ट्री टोपोलॉजी में हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि एक ट्री, एक नोड सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट नोड होता है जो कि पेरेंट नोड होता है, फिर देन सेकंड लेवल पे नोड्स होते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे होते हैं, नेक्स्ट लेवल उसके बाद चिल्ड्रन, तो ये आपका हायरार्किकल फैशन में, इसको हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं डिटेल में कैसे टोपोलॉजीज क्रिएट होती हैं, इनके क्या उनकी के फीचर्स होते हैं, तो बस टोपोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट टोपोलॉजी होती है जो बस टोपोलॉजी होती है, इसमें एक सिंगल बैकबोन केबल होता है, ये इसकी जो है प्राइमरी क्वालिटी है, मेन जो एक बैकबोन केबल के अक्रॉस सभी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, तो ऑल होस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैकबोन केबल, तो जितने भी होस्ट होते हैं वो सभी डायरेक्टली बैकबोन केबल से कनेक्टेड होते हैं। ईच एंड ऑफ द बस मस्ट बी प्रॉपरली टर्मिनेटेड, ये इसमें ध्यान रखने की बात है, जो ये आपका बस का जो फॉर्मेशन है इसमें जो एंड पॉइंट होता है इसको प्रॉपरली टर्मिनेट किया जाना चाहिए, तो इस तरीके से बस टोपोलॉजी जो है डिजाइन की जाती है। अब देखते हैं कि बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले चीप एंड इजी टू सेटअप, बहुत इजी सेटअप है और चीप होती है, इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है, एंड गुड फॉर नेटवर्क्स दैट आर ओनली टेम्प्रेरी। आप टेम्प्रेरी नेटवर्क्स अगर बनाते हैं, स्मॉल नेटवर्क बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, तो उस केस में यह एक इजी टू सेटअप होती है एंड एक अच्छा नेटवर्क आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। एबल टू एक्सटेंड द नेटवर्क विद एडिशनल वर्क स्टेशंस, ये भी एक इसका एडवांटेज है, आप इसमें अक्रॉस द केबल लेंथ कितने भी आप इसमें जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और कितने भी आप इसमें सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ केबल कैन बी यूज, क्योंकि आप पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट का ही केबल यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत ही स्मॉल एरिया में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इफ़ अ केबल ब्रेक्स देन द होल नेटवर्क इज डिसेबल्ड, ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। तो अगर एक केबल ब्रेक हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से केबल ब्रेक हो जाता है तो सिग्नल जो है फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसका बैकबोन केबल है किसी भी सिस्टम में जाने के लिए, तो पूरा नेटवर्क इस केस में आपका क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। मोर स्टेशंस स्लोअर द परफॉर्मेंस, जितने ज़्यादा आप स्टेशंस इसमें ऐड करेंगे उतनी ही परफॉर्मेंस इसकी स्लो हो जाती है, एंड वायरस इन द नेटवर्क ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड विल बी इन्फेक्टेड, तो अगर आपका वायरस नेटवर्क में आता है तो सभी जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं बैकबोन केबल से वो सभी इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो ये थे इसके एडवांटेजेस, वो सभी इनफैक्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो इसमें टेक्नोलॉजी है वो इसमें ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो भी पैकेट आता है वो सभी कंप्यूटर्स की तरफ जाता है जितने भी उस पर बैकबोन केबल से कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए सभी उसको लिसन करते हैं, तो इसलिए उसमें जो है वायरस इन्फेक्शन का खतरा भी ज़्यादा होता है एंड उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है, केबल लॉस के केस में वो ईजिली आपका जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पस से और लैब में आप इसको दो चार कंप्यूटर्स कनेक्ट करने के लिए आप इसको देख सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। सेकंड होती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी बताया कुछ देर पहले जब इंट्रोडक्शन के टाइम पे, अगर आप बस टोपोलॉजी के स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाती है, रिंग टोपोलॉजी बन जाती है। तो इसमें क्या हुआ कि आपका बैकबोन केबल की नीड
खत्म हो गए, सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होते हुए जब आपने उनको जो है उनके एंड्स को कनेक्ट कर दिया। अ होस्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच ऑफ इट्स नेबर्स, जो होस्ट होगा वो अपने नेबर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है इंस्टेड ऑफ किसी बैकबोन केबल से कनेक्ट होने के बजाय। यूज फॉर टोकन पासिंग लॉजिकल टोपोलॉजी, तो ये लॉजिकल टोपोलॉजीज, जैसे कि टोकन पासिंग एक टोपोलॉजी है जो कि लॉजिकल टोपोलॉजी है, ये बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है टोकन पासिंग नेटवर्क के लिए। इसका एक एडवांटेज ये भी है, एडवांटेज मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ, ये बाई डायरेक्शनल वर्क करती है। तो दिस इज़ ईजी टू इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन इसका बहुत ईजी है, तो एक इसका एक एडवांटेज है। मैनेजिंग इज ईजियर एज टू एड और रिमूव अ डिवाइस फ्रॉम द टोपोलॉजी, ओनली टू लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड। मैनेजमेंट भी इसका इजी है, जैसे कि अगर किसी ऐप कोई डिवाइस आपको ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो आपको सिर्फ दो लिंक्स को चेंज करना होगा, तो इजी टू मैनेज है, इजी टू इंस्टॉल है। डिसएडवांटेज, अ लिंक फेलियर कैन फेल द एंटायर नेटवर्क एज द सिग्नल विल नॉट ट्रेवल फॉरवर्ड ड्यू टू फेलियर। तो इसके केस में भी एक मेजर डिसएडवांटेज ये है रिंग टोपोलॉजी में कि अगर कहीं से आपका केबल ब्रेक होता है तो पूरा नेटवर्क आपका डिसेबल हो जाता है, क्योंकि सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता है। तो डेटा ट्रैफिक इश्यूज सिंस ऑल द डेटा इज सर्कुलेटिंग इन ए रिंग। एक सेकेंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि क्योंकि जितना भी डेटा है वो रिंग के अक्रॉस सर्कुलेट कर रहा है, तो इसमें ट्रैफिक कंजेशन का इश्यू आता है। तो ये है रिंग टोपोलॉजी से रिलेटेड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। थर्ड है आपकी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी बहुत पॉपुलर टोपोलॉजी है, इसमें आपका सेंटर में एक स्विच या हब से डिफरेंट सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। जनरली लैब्स में स्टार टोपोलॉजी इंप्लीमेंट की जाती है, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल पॉइंट। एक स्विच से जब आप 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी कंप्यूटर्स आप कनेक्ट करते हैं तो वो एक स्टार टोपोलॉजी की तरह वर्क करते हैं। सेंटर ऑफ स्टार इज यूजुअली हब और स्विच एंड यूज्ड फॉर ईथरनेट टेक्नोलॉजी। लैंड टेक्नोलॉजीज में, ईथरनेट टेक्नोलॉजीज में स्टार टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। इसमें एडवांटेज देखते हैं क्या क्या होते हैं। दिस इज लेस एक्सपेंसिव बिकॉज ईच डिवाइस ओनली नीड वन इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड नीड्स टू बी कनेक्टेड विद हब विद वन लिंक। यह भी एक ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी डिवाइसेज होती हैं उसमें सिर्फ एक ही इनपुट आउटपुट पोर्ट की ज़रूरत होती है एंड वो हब से सिंगल लिंक से कनेक्ट होती है, हब से या स्विच से। तो ईजियर टू इंस्टॉल, इंस्टॉल करने के में ईजी होती है एंड लेस अमाउंट ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड बिकॉज ईच डिवाइस नीड्स टू बी कनेक्टेड विद द हब ओनली। इसमें केबल की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, क्योंकि एक लॉन्ग केबल की, लार्ज बैकबोन केबल सपोज, या जो है लॉन्ग केबल की जरूरत नहीं होती, सिंपल डिवाइस से आपको स्विच या हब को कनेक्ट करना होता है। रोबस्ट, इफ वन लिंक फेल्स अदर लिंक्स विल वर्क जस्ट फाइन। तो ये बहुत इसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, एडवांटेज है, रोबस्ट होती है। अगर एक लिंक यहाँ ब्रेक होता है, आप देख सकते हैं कोई भी एक लिंक ब्रेक होगा तो पर्टिकुलर एक नोड इसका डिसेबल होगा, बाकी सारे नोड्स या सिस्टम्स आपके कंप्यूटर्स पहले की तरीके से चलते रहेंगे। तो ये बहुत ही इसका अच्छा एडवांटेज है, इसकी वजह से इसको ज़्यादा पॉपुलर भी है। easy fault detection because the link can be easily identified. तो इसी तरीके से चूँकि आपका identification भी easily हो जाता है कि कौन सा node work नहीं कर रहा है, तो किस link में problem हो सकती है, तो इसलिए fault detection भी इसमें easy होता है। disadvantage क्या होते हैं, if hub goes down everything goes down. yes this is the major disadvantage इसका, क्योंकि अगर आपका hub या switch ही down हो जाएगा, वही आपका work नहीं करेगा, तो पूरा network आपका disable हो जाता है, क्योंकि एवरी थिंग इज कंट्रोल्ड विद द स्विच और हब, नन ऑफ द डिवाइस कैन वर्क विदाउट हब। हब रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज एंड रेगुलर मेंटेनेंस बिकॉज इट इज द सेंट्रल सिस्टम ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो हब की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और रेगुलर मेंटेनेंस की उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि वही सेंट्रल सिस्टम है स्टार टोपोलॉजी का। अगर हब ही वर्क नहीं करेगा तो स्टार टोपोलॉजी आपकी फेल हो सकती है, फेल हो जाएगी, तो इसलिए हब की मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी की। एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जब आप डिफरेंट स्टार्स को, फॉर एग्जांपल एक स्टार आपका ये है, जहाँ एक स्टार ये है, एक स्टार ये है, एक स्टार ये है, इन सबको आपने आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। इसको किस लिए आप यूज़ करते हैं, स्टार में अगर आपको नोड्स बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ नोड्स अपने नेटवर्क को आपको एक्सटेंड करना है, तो आप एक स्टार को, डिफरेंट डिफरेंट स्टार को आपस में कनेक्ट करके आप उसको एक्सटेंडेड स्टार के तरीके से टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं।
connects individual star topologies together. At the center of the star is a hub, a switch. यहाँ भी सेंटर पे क्या होता है आपका हब या स्विच होता है. एक्सटेंड द लेंथ एंड साइज ऑफ द नेटवर्क. ये नेटवर्क की लेंथ और साइज को एक्सटेंड करने के लिए बहुत ही उपयोगी टोपोलॉजी है. दिस इज द टोपोलॉजी वी आर यूजिंग इन अवर लैब. लैब में भी आप देख सकते हैं हम यही टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि आप देख सकते हैं डिफरेंट जो लेंथ्स हैं लाइंस हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में एक स्टार फॉर्म करते हुए सेंट्रल स्विच से. नेक्स्ट है आपकी मैश टोपोलॉजी. मैश में जैसे कि मैंने बताया ईच होस्ट हैज इट्स ओन कनेक्शन टू एवरी अदर होस्ट. सारे जितने भी नोड्स होते हैं उसके दूसरे नोड्स से कनेक्शन होते हैं. यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर कम्युनिकेशन मस्ट नॉट बी इंटरप्टेड. ये उन सभी सिचुएशन में इस टोपोलॉजी का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से कम्युनिकेशन आपको में इंटरप्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. ऑल टाइम कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. लाइन कभी भी डाउन नहीं होनी चाहिए. तो इस केस में जो है आपको सभी नोड्स को आपस में कनेक्ट करना होता है. इसमें एडवांटेज नो डेटा ट्रैफिक इश्यूज. डेटा ट्रैफिक इशू का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि देर आर डिफरेंट चैनल्स, बहुत सारे पास होते हैं. एक नोड से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से डेटा ट्रैवल कर सकता है. फॉर एग्जांपल इस नोड से अगर यहाँ तक डेटा जाना है तो ये पाथ भी फॉलो कर सकता है, ये पाथ भी फॉलो कर सकता है और ये पाथ भी फॉलो कर सकता है. रिलायबल एंड रोबस्ट. अगेन जो मैश टोपोलॉजी है बहुत ही रिलायबल होती है क्योंकि फेलियर ऑफ वन लिंक डज नॉट अफेक्ट अदर लिंक्स. एक लिंक अगर फेल होता है तो दूसरे लिंक पे उसका फर्क नहीं पड़ता है. तो इस केस में आपकी जो नेटवर्क है वो हमेशा अप रहता है, कभी डाउन नहीं होता है. इट इज़ वेरी सिक्योर. मैश टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है क्योंकि वहाँ से क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है. और इस पॉइंट टू पॉइंट लिंक होने का फायदा क्या होता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस उसमें पॉसिबल नहीं होता है. एंड लास्ट फॉल्ट डिटेक्शन या फेलियर इज इजी. यानी कि कोई भी फेलियर या फॉल्ट होता है तो उसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि स्टार टोपोलॉजी में भी आप इजीली उसे डिटेक्ट कर सकते हैं. डिसएडवांटेज भी इसके अलावा कुछ होते हैं मैश टोपोलॉजी के, जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ वायर्स रिक्वायर्ड. तो इसमें जो वायर्स होते हैं ऑब्वियसली आप देख सकते हैं सारे नोड्स को जब आप आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ वायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट होती है. एंड सेकेंड है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड मस्ट बी ह्यूज. यहाँ आपके नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी बढ़ जाते हैं. जब जैसे कि स्टार टोपोलॉजी में मैंने बताया था जितने भी आपके नोड्स होते हैं उन सबको स्विच या हब से कनेक्ट करने के लिए एक ही इनपुट आउटपुट पोर्ट की ज़रूरत होती है. लेकिन इस केस में क्या होता है ये जितने भी नोड्स हैं सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. यानी कि इसके लिए इनपुट आउटपुट कनेक्शन यहाँ से भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ से भी रिक्वायरमेंट है और यहाँ से भी रिक्वायरमेंट है. जितने भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं एक नोड के लिए, जितने भी आप कनेक्शन करेंगे जितने नोड से, आपको उतने ही इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की ज़रूरत इसमें होती है. तो स्केलेबिलिटी का इसमें इशू आता है. यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल इस नेटवर्क में फाइव नोड्स हैं, फाइव कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और इसमें सिक्स एक और कंप्यूटर आपको कनेक्ट करना है या दो तीन और कंप्यूटर आपको कनेक्ट करने हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए यानी कि स्केल अगर आपको नेटवर्क को करना है, बढ़ाना है तो उसमें आपको इशू आता है क्योंकि उसके फिर सारी डिवाइसेस से एग्जिस्टिंग नोड्स के साथ कनेक्शन करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एंड कम्बरसम होता है. तो ये हैं डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अबाउट मैश टोपोलॉजीज. नेक्स्ट है आपका ट्री. ट्री यानी कि हायरार्किकल टोपोलॉजी. हायरार्किकल टोपोलॉजी में क्या होता है, इट इज़ लाइक एक्सटेंडेड स्टार. एक्सटेंडेड स्टार की ही तरीके से होता है. एंड अ कंप्यूटर कंट्रोल्स ट्रैफिक नॉट अ हब और अ स्विच. डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जितने भी ट्रैफिक होता है वो किसी हब या स्विच से कंट्रोल नहीं होता है. यहाँ से कंप्यूटर्स ही इस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं ट्री की फॉर्म. यानी कि एक पेरेंट कंप्यूटर या उसको आप सर्वर कह सकते हैं वो अपने चिल्ड्रन कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करता है. देन अगेन उससे नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की, देन अगेन. इसके अलावा कुछ डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं जो कि मैंने डिस्कस करी हैं. उसके अलावा जो अदर टोपोलॉजीज के अंदर आती हैं जैसे कि वन टू वन
एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजी एंड मल्टीपल नोड्स। आप सिंपल दो सिस्टम्स को यूजिंग वन केबल RJ45 कनेक्ट करते हैं तो आपका वो क्या कहलाता है, वन टू वन डायरेक्ट कम्युनिकेशन टोपोलॉजी। हाइब्रिड के केस में क्या होता है, जब आप मोर देन वन टोपोलॉजीज यूज करते हैं, एक से ज़्यादा टोपोलॉजी को यूज करके आप कोई नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क सपोज जिसमें आपने स्टार टोपोलॉजी भी यूज़ की है, रिंग टोपोलॉजी भी यूज़ की है, या उसके साथ आपने स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी यूज की है, तो आपका हाइब्रिड नेटवर्क कहलाता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ से आपको मोर देन वन टोपोलॉजीज को यूज करके अपने नेटवर्क को डिज़ाइन करना होता है। क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजी में एक सर्वर होता है जो कि मास्टर कंप्यूटर होता है, जो कि अपने जितने भी उसके साथ नोड्स कनेक्टेड होते हैं उनको कंट्रोल करता है, तो उसको हम क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजी कहते हैं। एंड मल्टीपल नोड्स टोपोलॉजी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल नोड्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको मल्टीपल नोड्स टोपोलॉजी कहा जाता है। तो ये थी हमारी फिजिकल टोपोलॉजीज जिसमें आप डायरेक्टली कनेक्टेड कनेक्ट करते हैं यूजिंग वायर्स एक पैटर्न की फॉर्म में। अब आप जानेंगे अबाउट लॉजिकल टोपोलॉजीज। तो लॉजिकल टोपोलॉजीज क्या होती है, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसे फ्लो करते हैं और कैसे मीडिया को डिफरेंट नोड्स एक्सेस करते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं लॉजिकल टोपोलॉजीज के माध्यम से। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी एंड टोकन पासिंग टोपोलॉजी में। ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी में क्या होता है, ईच होस्ट ऑन द लैन सेंड्स इट डेटा और ब्रॉडकास्ट इट्स डेटा टू एवरी अदर होस्ट। तो लैन में प्रत्येक नोड या कि होस्ट जो डेटा होता है वो बाकी सभी नोड्स को यानी कि जितने भी दूसरे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं ब्रॉडकास्ट करता है, यानी कि जो पैकेट भेजता है वो सभी के पास जाता है। तो जिसके लिए वो रिक्वायर्ड होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बाकी सिस्टम्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक इस तरीके से एक ब्रॉडकास्ट किया जाता है डेटा का। एंड एक्सेस टू मीडिया इज बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ईथरनेट वर्क्स दिस वे। तो जो मीडिया होता है लिंक जो होता है चैनल आपका होगा उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे उसको एक्सेस किया जाता है, यानी कि जो सिस्टम पहले ब्रॉडकास्ट कर देगा, मीडिया चैनल इज एम्प्टी एरियल स्टेट में है तो वो कोई भी सिस्टम उसमें ब्रॉडकास्ट कर सकता है। इफ चैनल इज बिजी तो दूसरा जो सिस्टम होगा वो सेंस करेगा चैनल को। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है जो आप आगे अपने कोर्स में पढ़ेंगे कि कैसे पूरी मैकेनिज्म वर्क करती है। तो इस तरीके से ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी आपकी वर्क करती है। सेकेंड होता है टोकन पासिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक्सेस टू मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक टोकन। तो मीडिया को यानी कि चैनल को एक्सेस जो नोड्स करते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक टोकन के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। पोजीशन ऑफ द टोकन गिव्स द होस्ट द राइट टू पास डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन। तो जिस नोड के पास टोकन होता है यानी कि उसके पास आप एक्सेस है, उसको जिसको टोकन मिला वो अपना डेटा आप डेस्टिनेशन तक सेंड कर सकता है। रिंग टोपोलॉजी के केस में मैंने डिस्कस किया था कि इसमें रिंग टोपोलॉजी जो यूज़ होती है वो टोकन पासिंग, लॉजिकल टोपोलॉजी में टोकन पासिंग के लिए यूज़ होती है। तो रिंग के केस में क्या होता है, जब भी आपको टोकन पास करना होता है तो एक टोकन सर्कुलेट होता रहता है रिंग की फॉर्म में। तो एक नोड के पास गया वो टोकन, देन नेक्स्ट, इस तरीके से रिंग के फॉर्म में वो सर्कुलेट होता रहता है। तो जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं तो उनका बारी बारी से नंबर आता रहता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो इस तरीके से ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी एंड टोकन पासिंग टोपोलॉजी वर्क करती है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी दोनों ही डिटेल में कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय।